जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण। पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु की दिव्य लीला को श्रवण करने के लिए सभी भक्तों का विशेष रूप से धन्यवाद है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम कुछ भगवत तत्व भगवत रस भगवत भक्ति विषय में हम चर्चा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की आज्ञा से सभी पूरे विश्व में प्रचार किया। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचार। मैं उस प्रभुपाद जी को प्रणाम करता हूँ जिस प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज की आज्ञा से गौरवाणी प्रचार। भगवान चैतन्य की वाणी क्या वाणी थी? चैतन्य की पृथ्वीते नगर पृथ्वीते याति नगर आदि गाम सर्वत्र प्रचार हो यही। इसको सत्य करने के लिए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा जी अपने गुरु की आज्ञा से पूरे विश्व में प्रचार किए। हमारे जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं उनकी उन्होंने कहा था कि कुछ समय के बाद एक भगवान का एक राजदूत भक्त आएगा जो विश्व में प्रचार करेगा। भक्ति विनोद ठाकुर जब अपने घर पर गंगा नदी के किनारे बैठे थे तो सामने जहां अभी चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है वहां दृष्टि गई। भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि काले गोरे विदेशी सभी लोग मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं और वही बात अभी इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल रूपा जी की कृपा से हम देखते हैं। तो विशेष कृपा है हम पर इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल रूपा जी की। चैतन्य महाप्रभु अनर्पित चर चिरात करुणिया अवतीर्ण कर करुणा कर कर अवतीर्ण कलयुग में हुए। क्या देने के लिए? तो कहते समर्पित हूं उन्नत उज्जवल रस देने के लिए। क्या है उन्नत उज्जवल रस? सब भक्ति भक्ति उन्नत उज्जवल रस देने के लिए चैतन्य महाप्रभु। और वही चैतन्य महाप्रभु की कृपा है वही लेकर अपने गुरु के पास लेकर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा जी ने पूरे विश्व में प्रचार किया। वही गौरांग महाप्रभु की लीला को हम श्रवण कर रहे हैं। कितना सौभाग्य है हमारा कि हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ गुणगान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद के बीच में संवाद हम श्रवण कर रहे हैं। जब राय रामानंद ने विषय आगे बढ़ाते हुए कहा हे प्रभु स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आर राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार। जब महाप्रभु ने कहा के एहो बाह्य जो स्वधर्म आचरण वो भी बाह्य है कुछ आगे कहो तब राय रामानंद कहते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार।
ज्ञान मिश्र भक्ति क्या है? साध्य। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि अवैदिक तार्किक ज्ञान से मिश्रित भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। अवैदिक भक्ति सिद्धांत कहते कर्मकांड द्वारा जो आत्मा साक्षात्कार होता है ना, वो मुक्ति और बद्ध जीवन के बीच की अवस्था है। मुक्ति मतलब यहाँ भगवान का दाम मुक्त हो गया, तो भगवान के दाम में चला गया, और बद्ध जीवन उसके बीच की जो बीच की जगह है, इसको तटस्थ शक्ति बोलते हैं, तटस्थ जगह वो है निराकार। तो यहाँ सीधे बात पर मैं आता हूँ, यहाँ ये जो ज्ञान मिश्र की बात कहते हो, कौन सा ज्ञान मिश्र? भक्ति में ज्ञान मिश्र भक्ति, तो ज्ञान कौन सा है? तो यहाँ कहते निराकार ज्ञान भक्ति सिद्धांत महाराज। ये जो बीच वाला स्थान है वो भौतिक जगत से परे है, गिरजा नदी है, वहां बीच वाला स्थान जिसको हम ब्रह्म ज्योति बोलते हैं वहां। इसे यहाँ मिश्र भक्ति को मतलब निराकार ज्ञान मिश्र भक्ति कहा गया है। तो यहाँ बहुत सुंदर भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि भौतिक जगत का ब्रह्मांड, भौतिक जगत का इस ब्रह्मांड बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट हुआ है, और भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के जो बीच में निराकार ब्रह्म है वो जो है उनका जो ज्ञान है, निराकार का ज्ञान है, उसको बोला है ज्ञान मिश्र भक्ति, उसको बोलते ब्रह्म ज्योति में लीन हो। तो जो व्यक्ति निराकार में लीन होने का प्रयत्न करता है, ब्रह्म के रूप में ही पूजता है, तो वो ज्ञान से ज्ञान मिश्र भक्ति को ये प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत महाराज भी ये भक्ति को कहते ज्ञान मिश्र भक्ति। तो उससे क्या होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भौतिक जीवन जीते जीते उब जाता है, तो वो विचार करता है के मतलब भौतिक जगत की विविधता है उसमें उग जाता है, तब वो सोचता है कि मैं उस ऐसा करूं जिससे मुझे कुछ करना ना पड़े, मैं एकदम शांत हो जाऊं, इससे तुरंत क्या करता, निराकार में जाने का प्रयत्न करता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग जब भौतिक जीवन में उग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फिर जब कोई भक्त का संग होता है, तो भक्त कहते हैं कि भाई ये फिलोसॉफी से सब देता है, उनकी बात कहता है कि भगवान का धाम है जो सर्वोच्च है, शाश्वत धाम है, और वहां जाना जीव का कर्तव्य है। और अंत में जब भक्त कहते हैं कि वहां जाकर भी उनको पता चलता कि वहां जाकर भी हम एक व्यक्ति बनना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के धाम में जीव और भगवान अलग है, और जीव का एक ही कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। पर जब ये जो उब चुका व्यक्ति है, वो व्यक्ति जब पता चलता है उनको कि वहां भी व्यक्ति बनना पड़ेगा और वहां सेवा करना पड़ेगा, तो व्यक्ति बनने से डरता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भौतिक जगत में इतना परेशान हो जाता है, तो व्यक्ति होने से डरता है, तो उसको निराकार में जाना है, और एक व्यक्ति होने से डर लगता है, इसको क्या करता है, भक्ति को स्वीकार नहीं करता है और निराकार को स्वीकार करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है, वो व्यक्ति चाहता क्या है, आनंद और प्रेम चाहता है, इसलिए तो ये कर रहा है ना, उब गया क्यों, आनंद और प्रेम के लिए। जब वो निराकार में प्रवेश करेगा ब्रह्म ज्योति में, वहां तो प्रभुपाद जी कहते निराकार में मतलब अकेले है, निराकार मतलब अकेला, कोई साथ में नहीं होता है, लीन हो जाता है ब्रह्म में, लेकिन आनंद और प्रेम जीव के साथ चलते, आनंद और प्रेम चाहता है जीव, और आनंद अकेले अकेले बैठने से नहीं आएगा। कोई व्यक्ति अगर मान ले आनंद चाहे तो अकेला बैठेगा तो परेशान हो जाएगा, हो सकता है उसके सामने कोई टीवी सिनेमा हो, लेकिन कब तक वो देखेगा, बोर हो जाएगा, उसको कुछ ऐसा चाहिए जो सामने आदान प्रदान करने वाला व्यक्ति हो, और आदान प्रदान जो है वो निराकार ब्रह्म नहीं होता है। इससे यहाँ शुद्ध भक्ति है वो करने के लिए ये जो निराकार ज्ञान कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, तो जो भगवान साध्य कहते हैं, क्या साध्य है, कृष्ण प्रेम, उनको प्राप्त नहीं हो सकता है कभी। इसे ज्ञान मिश्रा भक्ति को जो भी जो बात कर रहे हैं, उसको भी चैतन्य महाप्रभु क्या कहेंगे, बाह्य, क्योंकि निराकार ज्ञान है। भगवान कहते ब्रह्मो प्रतिष्ठा अमृत सव्य सच,
ब्रह्म जो है वो मेरे मतलब वो मेरा ही अंश है, लेकिन वो क्या है, अपूर्ण है। तो पूर्ण क्या है, कृष्ण प्रेम। भगवान चैतन्य कहते पूर्ण कृष्ण प्रेम है, और कृष्ण प्रेम तक पहुंचना जीव का कर्तव्य है, जीव का लक्ष्य है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ज्ञान मिश्रा भक्ति में लग जाता है, मतलब निराकार को स्वीकार करता है, तो ज्ञान मिश्रा भक्ति है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इससे तो प्रहलाद महाराज कहते कि जीवन में जीव उब जाता है। क्यों उब जाता है, प्रश्न होता है कि भौतिक संसार में रहते रहते जीव उब जाता है, फिर वो निराकार को स्वीकार करता है। उसको व्यक्ति नहीं बनना है, भगवान के धाम में जाए तो व्यक्ति रहेगा, जीव व्यक्ति है और उनका काम है भगवान की सेवा करना, तो उससे डरता है, उसके कारण निराकार स्वीकार करता है। तो उब क्यों जाता है, प्रहलाद महाराज उसका जवाब देते हैं श्रीमद् भागवतम 7वें कैंटो 5वां अध्याय और 30 नंबर का श्लोक। मति न कृष्णे परत सतोवा मिथो विपद्ये गृह व्रताना अदांत गोभीर विष्टांतम श्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना। वो जो व्यक्ति उब इसलिए जाता है, मति न कृष्ण, पहला तो उनकी जो मति वो कृष्ण में नहीं है, और दूसरा कहते हैं गृह व्रताना, वो अपने घर को, कुटुंब को, पत्नी बच्चे को, माँ बाप को, स्वजनों को, सब कुछ मानता है, और वो व्रत लेकर बैठा है कि बस इनका भरण पोषण करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये उबने का कारण है। ये क्या है, अदांत गोभीर विषताम तमिश्राम, वो विष पी रहा है बारम्बार, वो उसमें विष में आनंद ले रहा है, लेकिन उनको लगता है कि यही वास्तव में आनंद है, धीरे धीरे उसमें चिंता आती, टेंशन टेंशन टेंशन, और करता क्या है वास्तव में। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो जो गन्ने को बारंबार उस मशीन में डालते जाते और बारंबार डालते जाते, आखिर में कुछ रस नहीं बसता है, वैसे जीवन को बारंबार वो चबाता है, एक ही काम बारंबार करता है, उसमें रस है ही नहीं, और वो व्यक्ति को कुछ विविधता चाहिए, जैसे भौतिक जगत की विविधता है वो चाहिए, और विविधता में भी देखते हैं कि विविधता में अलग अलग जगह पर, यहाँ अभी दुकान में है एक महीना, फिर परेशान हो गया तो एक हफ्ता गए और घूमने चले गए, तो घूमने गए वहां भी एक हफ्ते में परेशान हो गए, दूसरी जगह गए, तो ऐसे जहां भी विविधता, जहां भी भौतिक जगत विविधता से भरा हुआ है, जहां भी जाएगा वहां उनको क्या मिलेगा, उग जाएगा। क्यों, यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं मति न कृष्ण, भगवान में उसकी मति न होने के कारण अपनी फैमिली को यहां से वहां घुमाता रहेगा, कहीं भी उसको रस नहीं मिलेगा, ये उठ जाने का कारण है मति न कृष्ण पर सतो। बहुत सुंदर यहाँ के वो फिर क्या परेशान होकर कहते हैं शांत जगह पर अगर कुछ करना है तो ऐसी जगह निराकार बैठ के निराकार का ध्यान करना है, कलयुग में असंभव बात है। तो ज्ञान मिश्र भक्ति को है ना चैतन्य हमारे राय रामानंद है ज्ञान मिश्र भक्ति की बात कर रहे, ज्ञान मिश्र भक्ति मतलब जो निराकार ज्ञान है वही उसकी बात कर रहे। और यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति निराकार में लीन हो जाता है, सफल नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि सब लोग सफल होते, ज्यादातर लोग और कलयुग में तो जाने ही दो बात, निराकार का ध्यान करने, निराकार का सफल होना असंभव है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई व्यक्ति अगर निराकार का ध्यान कर रहा है वो विधि में सफल नहीं होता है, तो क्या होता है, जब वो सफल नहीं होता है बहुत लोग हिमालय चले जाते हैं, हिमालय जाकर तपस्या करते निराकार का ध्यान करता है, लेकिन जब मन स्थिर न होने से, इंद्रियां स्थिर न होने से, आसन स्थिर न होने से वो जब ये विधि का पालन नहीं कर सकता है, तो रूपा जी कहते को व्यक्ति तुरंत वहां से नीचे गिरता है। नीचे गिरता है तो कहां आता है, नीचे गिरते तुरंत भागवतम का सहारा लेता है, भागवतम पढ़ता है, भागवतम पढ़ेगा तो भागवतम से भी परेशान हो जाएगा, क्यों, भागवतम इतना दिव्य ज्ञान है फिर भी क्यों परेशान हो जाएगा। रूपा जी कहते भागवतम में लिखा है कि भगवान साकार है, वरहा पीड़म नटवर वपु करणी कर्णिकार बिब्रदवास कनक कपिसम वैजयंती मुचमार रंध्रान वैणु अधर सुदिया पुर नरको उपवृंद वृंदारण्य स्वपद रमणम प्राविशत
वहां भगवान कृष्ण को बोला, कृष्ण साकार है, मुरली बजाते हैं, बरहा पीड़म, मोर पंख है सिर पर, सुंदर गुंजों की माला है, त्रिभंग ललित मुरली बजाते बजाते आते हैं। तो सुंदर सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है, ये जब निराकार का ध्यान करते हैं तो उग जाता है और नीचे आता है, भागवतम सुनता है तो भागवतम में भगवान साकर है, वहां से भी परेशान होकर और नीचे आता है, रूपा जी कहते समाज सेवा में लग जाता है। क्या करता है समाज, इस तरह से उनका पतन होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, रूपा जी भगवान स्वयं कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, थोड़ी सी भी भक्ति करता है, सर्वमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयः, वो उनका कभी भी भक्ति का नाश नहीं होता। भगवान जी कहते ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान के बिना भौतिक परिस्थिति से विरक्त होना भौतिक जगत का दूसरा पक्ष है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति अगर भौतिक परिस्थिति से विरक्ति चाहता है तो क्या है, तो कहते भौतिक जगत का दूसरा पक्ष वो निराकार पक्ष, क्योंकि निराकार पक्ष को भौतिक पक्ष जिन्हें आपने शुरुआत में हमने राय रामानंद का प्रसंग शुरुआत किया तो वहां आप हमने आपको कहा कि चैतन्य महाप्रभु वो जो निराकारवादी है उनसे दूर रहने को कह रहे, तो यही बात यहाँ चैतन्य रूपा जी हमको तात्पर्य में भी यही कहते हैं। देखो भक्तों तीन प्रकार अंगों ज्ञान के तीन अंग है, ज्ञान के तीन अंग है, एक तो है तत्व पदार्थ का ज्ञान, दूसरा त्वम पदार्थ का ज्ञान और तीसरा जीव और ब्रह्म का एक ज्ञान। उसमें जो दो है ऊपर का वो भक्ति में हमको सपोर्ट देगा, और दूसरा जो लास्ट वाला तीसरा है वो भक्ति के एकदम विरोधी है। पहला है तत्व पदार्थ का ज्ञान, मतलब कहते कि भगवत तत्व का ज्ञान, दूसरा है त्वम पदार्थ का ज्ञान, वो है जीव के स्वरूप का ज्ञान, मतलब जीव और ब्रह्म का संबंध का ज्ञान है, और तीसरा है जीव और ब्रह्म एक के ज्ञान, मतलब जीव और भगवान दोनों एक है, इसको बोलते निराकार। निराकारवादी क्या करते हैं, जब संन्यास लेते हैं तो संन्यास लेने के बाद एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या कहते हैं, नमो नारायण, आप भी नारायण और मैं भी नारायण। वो क्या बोलते हैं कि जब वो स्थिति पे हम आ जाएंगे तो हम नारायण बन जाएंगे, हम सब भगवान हैं, मतलब जीव और भगवान दोनों को एक मानते हैं। इससे देखो आप भगवत गीता पढ़ो तो भगवत गीता की कॉमेंट्री मतलब तात्पर्य, भगवत गीता के तात्पर्य मतलब जो टीका है वो टीका अनेक हमारे आचार्यों ने लिखी है, श्रीधर स्वामी है, बलदेव विद्याभूषण है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, ऐसे अनेक आचार्यों ने लिखा है। तो अनेक आचार्यों की जो टीका है वो टीका को लेकर टीका है उनको प्रभुपाद लिया, वो जो 6 या 7 आचार्यों ने हमारे टीका लिखी उसमें से प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता लिखा है वो किसके आधार पर लिखा है, बलदेव विद्याभूषण के आधार पर लिखा है। क्यों, श्रीधर स्वामी को बेस्ट माना है टीकाकार में, चैतन्य महाप्रभु ने, विश्वनाथ ठाकुर ने, तो ये बलदेव विद्याभूषण को क्यों लिया, बलदेव विद्याभूषण को इसलिए प्रभुपाद जी लिया कि बलदेव विद्याभूषण ने क्या किया है, निराकार वादियों का खंडन किया है, जो चैतन्य महाप्रभु का मूड था, भट्टाचार्य मायावादी, प्रकाश आर्य सरस्वती मायावादी, यही विषय में आगे वो बौद्ध वो सब आएंगे, वो सब मायावादी। तो मायावादी का खंडन चैतन्य महाप्रभु ने बहुत किया, क्यों चैतन्य महाप्रभु इससे खंडन करते थे, क्योंकि वो लोग हैं जो मायावादी वो भगवान का अपराध करते, भगवान के अंगों तो अंगों को काटते हैं, जिस अंग को बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र शिव ब्रह्मा सहित समस्त ऋषि मुनि जिस चरण का जिस अंग का सभी अंगों का ध्यान करते हैं उस अंगों को ये जो निराकारवादी वो काटते हैं, बहुत बड़ा अपराध करते हैं, और वो काटते हैं ना भक्त को अच्छा नहीं लगता, इसे क्या करते हैं वो भगवान के अंगों को काटते हैं ना तो भक्त फिर उनको काटते हैं। निराकार जो जैसे निराकारवादी देखा, आप भगवत गीता भागवतम चैतन्य महा चैतन्य चेतम पढ़िए, गुरुपज ने बहुत जगह पर मायावादी का खंडन किया, जहां भी देखो मायावादी का खंडन किया, तुरंत फटकारते हैं
रूपा जी माया का देखो, उससे पता चलता है रूपा जी का मूड क्या था। इसे जो बलदेव विद्याभूषण है उसने मायावादी के विषय में बहुत कुछ लिखा है भगवद गीता, तो उनकी टीका लेकर रूपा जी ने ये भगवद गीता की टीका लिखी। जैसे आप भगवद गीता पढ़ोगे तो बारंबार रूपा जी जहां भी मायावादी की थोड़ी सी बात आई, रूपा जी अंदर घुसकर ऐसी पिटाई करेंगे मायावादी की बात। इसे तो चैतन्य महाप्रभु का मायावादी भाष्य सुन ले सर्वनाश। लेकिन हाँ भक्त तो एक है, रूपा जी जो है उसने ऐसा हमको ज्ञान दिया, ऐसे तात्पर्य दिए, और तात्पर्य को लेकर अच्छी तरह से पढ़कर समझकर अगर मायावादी सामने आए ना तो उसकी बैंड बजा सकते हैं, वैष्णव उसकी बैंड बजा देंगे, ऐसा तात्पर्य सुंदर लिखा है गोपाल जी ने। सब मायावादी का खंडन कैसे करना है, अभी तो आपको खजाना से मायावादी नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो आप गोपाल जी का बुक्स लेकर दो तीन पॉइंट उनको बताओगे तो चुप हो जाएगा। तो अभी ऐसे मायावादी को अभी पता नहीं है या नहीं, अभी तो मुझे तो नहीं मिले हैं इतने साल में, और मिले हैं तो उसका तो खंडन हो जाता है तुरंत। तो ऐसे हार्ड मायावादी ही मिले हैं, अगर ऐसा मायावादी मिला हो सकता है कि हमको परास्त कर सके, क्योंकि हमारे में रूपा जी जितनी तो शक्ति है, तो वो व्यक्ति बहुत तर्कवादी होते हैं। तो यहाँ जो ब्रह्म और जीव का एक ज्ञान है वो भक्ति के विरुद्ध है, क्यों, क्योंकि वो सेव्य और साधक भाव ज्ञान उदय नहीं होने देता, क्योंकि भगवान सेव्य है और हम साधक है। तो जो निराकारवादी हैं वो क्या करते हैं, भगवान और जीव को एक मानते हैं, तो साध्य और साधन की कोई बात ही नहीं रही, लेकिन वास्तव में भगवान साध्य है और हम उसके साधक, भगवान तक पहुंचने के लिए हम साधक भक्त है। तो ये निराकार जो ज्ञान है इसको खंडन करते हैं कृपा जी। और राय रामानंद इसके विषय में एक सुंदर श्लोक कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते परा। इसलोक क्यों कोटेशन किया राय रमन ने, क्योंकि यहाँ जो ब्रह्म भूत है उसका दो अर्थ, मतलब रूपा जी तात्पर्य लिखते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज के, ब्रह्म भूत जो है उसकी दो स्थिति है। ब्रह्म भूत हम बात है ब्रह्म की बात है कि रूपा जी निराकार बोल देते बोला भी है, लेकिन ब्रह्मभूत जो है उसकी दो अर्थ है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो व्यक्ति ब्रह्मभूत हो जाता है, मतलब एक ब्रह्मभूत का अर्थ है निराकार में लीन, और एक ब्रह्मभूत का अर्थ है कि वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। दो अर्थ है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा व्यक्ति प्रसन्न रहता है, न शोचति न कांक्षति, किसी की इच्छा भी नहीं करता है और कभी शोक भी नहीं करता है, समस्त सर्वेश भूतेषु समस्त जीवों में समानता रखता है, मत भक्ति लभते पराम, वो व्यक्ति मेरे भक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ जो कहा कि प्रभा जी कहते हैं कि व्यक्ति अगर कोई ब्रह्मभूत हो जाता है, मतलब भगवान का भक्त हो जाता है, तो व्यक्ति निश्चित क्या प्राप्त करता है, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। भक्ति में पहुंचने की भी भगवत तत्व तथा भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि में रुचि नहीं रखते, भगवान की कथा में रुचि नहीं रखते, और भगवान को क्या मानते हैं, तो कहते हैं कि वो सायुज मुक्ति में चेष्टा रखते हैं। कौन, जो व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला कथा को नहीं मानते। तो प्रभा जी कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, और अपराध के द्वारा वो निश्चित वो है नहीं, उसका पतन हो जाएगा। और दूसरा है ब्रह्मभूत का अर्थ, कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरा अपराधी तो नहीं है, अपराध नहीं करता, क्यों, क्योंकि भगवान को साकार रूप में पूछता है, भगवान की भक्ति करता है, तो कहते हो धीरे धीरे वो पराभक्ति को प्राप्त होता है ना, वो शोक मोह रहित एकदम शांत हो जाता है, और अंत में भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो बहुत सुंदर यहाँ कहते हैं, जैसे ही भक्ति के बारे में बोला तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आर, राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। राय रामानंद ने कहा कि ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार, चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं, प्रभु कहे एहो बाह्य, बाहर की बात है। तो राय रामानंद वापस बोलते हैं, तो फिर ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार,
ज्ञान शून्य भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इस पर टीका लिखते हुए कहते हैं, उनके अनुभाष्य में भाष्य करते हुए लिखते हैं कि भक्ति के ज्ञान मिश्र अवस्था बाह्य है और यह भगवान धाम में होने वाली शुद्ध भक्ति के क्षेत्र में नहीं आती। कौन सी? ज्ञान मिश्र भक्ति, जो भगवान के धाम में भगवान की शुद्ध भक्ति होती है, जिससे सेवा होती है, उससे ये जो ज्ञान मिश्र भक्ति है वो उनके क्षेत्र में नहीं आती, वो बहुत नीचे आती है। इसलिए उनका खंडन करते हुए रूपा जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो बाह्य। जब कोई भौतिक विचार उठता है, जब कोई भौतिक विचार उठता है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, तो ऐसी सेवा आध्यात्मिक नहीं रह जाती। भौतिक विचार आता है तो आध्यात्मिक नहीं रहता, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक है भौतिक। इससे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि भौतिक विचार है ना, और भले वे भौतिक कल्मश से परे हो, व्यक्ति भौतिक कल्मश से परे हो चुका हो, और मतलब भौतिक कल्मश से रहित हो, लेकिन वो व्यक्ति मानसिक तर्क वितर्क करता है, तो उसके कारण शुद्ध भक्ति और भौतिक जीवन के कलेश से मुक्त नहीं रह पाती। तो जो भक्ति है वो कभी भी शुद्ध और भौतिक जीवन के जो कलमश है उससे मुक्त नहीं रह पाएगी, क्योंकि व्यक्ति अपने मन से तर्क वितर्क करता है। जब तक मन शुद्ध नहीं होता, क्योंकि भौतिक मन है और उस तक तर्क वितर्क करेगा, तो कभी भी वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंचेगा। उसमें क्या होगा, तो बोला शुद्ध और भौतिक जीवन के कलमश से मुक्त, कलमश से मुक्त नहीं रह पाती। कलमश रहता है उसमें, क्यों? उसका मन जो है मन मलित है और मन के द्वारा तर्क वितर्क करता है। इसे तो महाभारत में तर्क को अप्रतिष्ठ, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज वही बात कहते हैं, ज्ञान मिश्र भक्ति से ज्ञान शून्य भक्ति श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सेव्य और सेवक भाव का विरोधी। ज्ञान मिश्र भक्ति जो है वो ज्ञान शून्य भक्ति से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि सेवे और सेवक भाव का विरोधी है। और जीव और ब्रह्म एक ज्ञान मिश्र नहीं रहता। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं सुंदर कि ये जो ज्ञान मिश्र भक्ति है वो सेव्य और साधक में कोई अंतर नहीं करते, लेकिन जो ज्ञान शून्य भक्ति है वो भक्ति उस स्तर पर हमको लेकर जाती है। ज्ञान शून्य भक्ति में संबंध ज्ञान का सम्यक विकास होता है, जो यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं। ज्ञान शून्य जो भक्ति उसमें संबंध का विकास होता है। देखो भक्ति में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते तो जितना हम आगे बढ़ते तो अपने आप ही हम एक भगवान से एक प्रकार का संबंध बांधते। कौन से संबंध? या तो हम भगवान को मित्र रूप में मानने लगते हैं, क्या दास के रूप में मानते हैं, क्या वात्सल्य के रूप में मानते हैं, या फिर माधुर्य के रूप में मानते हैं। वो आगे आएगा जब राय रामानंद कहे, चैतन्य राय रामानंद कहेंगे कृष्ण प्रेम सार, इसके बाद वाले श्लोक आएगा ना, तब चैतन्य महा फिर आगे बोलेंगे, तो फिर राय रामानंद वर्णन करेंगे कि सख्य सार है, दास सार है, माधुर्य सार है, वात्सल्य सार है, तो उसके विषय में भी आगे पूर्ण वर्णन किया गया है राय रामानंद। तो यहाँ जैसे जैसे भक्ति में आगे ज्ञान शून्य भक्ति उसमें क्या होता है, तो कहते संबंध ज्ञान का सम्यक विकास होता है। संबंध ज्ञान का विकास होता है, जैसे वहां व्यक्ति पहुंच जाएगा तो संबंध उनको संबंध समझ में देते रह जाएगा। हमारा कुछ ना कुछ संबंध एक तो है कि हम भगवान के हैं, लेकिन एक ऐसा संबंध है कि हम भगवान के सखा के रूप में धाम में है, हम भगवान के दास के रूप में धाम में है, भगवान की मतलब गोपियां जिस तरह माधुरी रस में भगवान के धाम में, तो एक रस डेवलपमेंट होता है, लेकिन उस भक्ति का मतलब उस स्तर पर पहुंचते हैं तो तुरंत हमको धीरे धीरे उसका अनुभव होना स्टार्ट हो जाता है। यह दो बात बताई गई है कि ज्ञान शून्य भक्ति में संबंध ज्ञान का सम्यक विकास होता है, और ज्ञान मिश्र भक्ति में जीव शुष्क ज्ञानी हो जाता है। ज्ञान मिश्र भक्त मतलब निराकार, उसमें व्यक्ति शुष्क ज्ञानी, ज्ञान है उनके पास, लेकिन ज्ञान के साथ जो भक्ति का रस है वो रस न होने के कारण शुष्क ज्ञान हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे आप
बर्फ का गोला खा रहे हो, अपने बर्फ का गोला बनाया लेकिन उसमें कोई जूस रस आता है वो नहीं डाला, क्या नहीं अच्छा फीका लगेगा एकदम। वैसे ही जब हम ये जो ज्ञान मिश्र भक्ति उसमें हृदय कैसा हो जाता है, शुष्क हो जाता है। ज्ञान तो बहुत है, बोलने को बहुत ज्ञान है, लेकिन खुद के अंदर जो आनंद आना चाहिए, जो भाव आना चाहिए, वो कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान मिश्र भक्ति मायावादी मतलब निराकार है और इसमें व्यक्ति का हृदय शुष्क हो जाता है। तो इसमें दोनों में एक अंतर है ना। इससे कहते हैं कि शुद्ध भक्तों के संग में सौभाग्य उदय से व्यक्ति जब शुद्ध भक्त मतलब श्रवण कीर्तन संघ के द्वारा श्रवण कीर्तन करता है तो शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्तों की कृपा से उदय होती है। इससे यहाँ मतलब शीघ्र ही शुद्ध भक्ति प्रकट होती है जब भक्तों का संघ होता है। इससे राय रामानंद एक सुंदर श्लोक कोटेशन करते हैं श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंध 14वां अध्याय और 3 नंबर का श्लोक, जहाँ ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, ज्ञाने प्रयास मुदियासनमंतयेन जीवन्ति सम्मुखरिता भवतीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवा मनोभी ये प्रायशो जितो अजितोप्यसि त्रिलोक्या। ब्रह्मा जी कहते हैं जो व्यक्ति निर्विशेष ख्याल त्याग देता है, निर्विशेष ज्ञान को त्याग कर स्वरूप सिद्ध भक्तों से मुख से मतलब जो भक्त है उनके मुख से भगवान के नाम रूप गुण लीला के विषय में श्रवण करता है, नियम का पालन करता है, मन कर्म और वचन से भगवान की सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति कोई भी स्थान ऐसा लिखे स्थान में स्थित कोई भी स्थान में रहकर भगवान का नाम लो, भगवान की कथा सुनो। लेकिन प्रभुपाद जी हमारे कहते हैं कि स्थान स्थित मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी से करोगे। तो आप अगर मन मर्जी से करोगे स्थान स्थित नहीं, आप घर पे रहेंगे, घर पे चैंटिंग करें, घर पे पढ़ लेंगे, घर पे सुन लेंगे, अब कहाँ जाने की जरूरत है मंदिर। प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में भक्तों का संग बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। जब भक्तों का संग होता है तो भक्ति निश्चित आगे बढ़ती है, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। जब आप स्थान मतलब भक्तों के बीच में आकर अगर श्रवण कीर्तन करते हो, उनका संग करते हो, तो भक्ति इतनी पावर पकड़ेगी और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते स्थाने स्थिता श्रुति गता तनु वा मनो भी, तन मन और वाणी से जब भगवान का भजन करता व्यक्ति भक्तों के संग में रहकर, तो कहते हैं कि प्रायशो जितो और जितोप्यसि त्रिलोक, जो त्रिलोक में भगवान किसी से जीते नहीं जाते हैं, लेकिन व्यक्ति जब श्रवण कीर्तन करता है, श्रवण कीर्तन भक्ति के द्वारा प्रेम से भगवान को वश में कर लेता है, भगवान को जीत लेता है और भगवान खुद उनके अधीन हो जाता है। इसलिए तो कहा गया है कि जो कलयुग में श्रवण कीर्तन नवधा भक्ति है बहुत पावर और खास मिलकर श्रवण और करना चाहिए, सुबह जल्दी जगना चाहिए, सत्तो गुण में माला करने का प्रयत्न करना चाहिए, वरना बहुत टाइम चला जाएगा लेकिन फिर भी हम जैसे थे एज इट इज रहेंगे। इसे विधि विधान का पालन बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं बारंबार कहता हूँ कि ऐसे बहुत भक्त हैं जो 20-20 25-25 साल से जप करते भक्ति करते, लेकिन जब वो मिलते तो तुरंत ये प्रश्न करते क्योंकि इतने साल सब करते लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, मतलब हृदय में कोई जो आनंद जो रस आना जो नहीं आता, उसका कारण है कि जो विधि विधान का पालन करने को भगवान ने कहा है और गुरुपाद जी ने कहा कि किस एंगल से किस तरह से करना है विधि विधान का पालन, किस भाव से करना है, जब वो सीरियस नहीं लेता है भक्त तब क्या होता है, तब वो बहुत टाइम चला जाता है लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो परिवर्तन आएगा उसका कारण है कि जब ऐसे भक्तों का प्रसंग करो जो साधना में अच्छी तरह से लगा है, तो उनको देख कर या आप वो आपको लगाएगा। कल मैंने आपको बात बोला था संग बहुत जरूरी है, या ब्रह्मा जी बहुत सुंदर कहते हैं और उसके एग्जाम्पल देकर वो कहते हैं कि ज्ञान छुए भक्ति में संबंध या ममता का अभाव है फिर भी आनंद की प्राप्ति होती है,
ज्ञान शून्य भक्ति है वो अभी आगे बढ़ रहा है व्यक्ति। ज्ञान शून्य भक्ति पे पहुंच गया तो व्यक्ति क्या होता है, तो कहते हैं उनको संबंध और ममता का ज्ञान है उसका अभाव होता है। किससे संबंध और किससे ममता? भगवान से जो संबंध है। देखो वैसे वो चाहते हैं कृष्ण से, कृष्ण में भक्ति, कृष्ण की भक्ति कर रहा है, लेकिन संबंध का अभाव है। संबंध का अभाव मतलब क्या है? अभी उसका संबंध नहीं जुड़ा है कि कृष्ण मेरे सखा है, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण से मेरा वात्सल्य भाव है, कृष्ण से मेरा माधुरी भाव है, वो भी संबंध नहीं है वहां। और ममता मतलब ममत्व जो होता है भगवान में वो भी नहीं है। वो भी आगे बढ़ेगा तो अचानक अपने अपने आप भक्ति में जैसे आगे बढ़ेगा, तो यही भौतिक जगत में भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो अभी वो नहीं है, लेकिन कहते भक्ति सिद्धांत महाराज कि वो नहीं होते हुए भी उसको अंदर से बहुत आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। वो अभी नहीं प्रकट हुआ है लेकिन फिर भी आनंद मिलता है। जैसे चंद्रमा से कुछ संबंध न होने पर भी जीव चंद्र के दर्शन देख दर्शन कर, चंद्रमा से कोई संबंध नहीं है लेकिन रात को जब चंद्रमा का दर्शन करता है वो, तो जीव आनंदित हो जाता है ना। वैसे अभी संबंध बनाने है भगवान के साथ, वैसे पता है मूल से जब कृष्ण के दास है, लेकिन जो मूल हमारा संबंध है भगवान के दाम में, वो जैसे भक्ति में आगे बढ़ते पता चलता है। अभी वो पता नहीं चला, इसे यहाँ कहते कि संबंध या ममता का ज्ञान का अभाव है, लेकिन फिर भी कर क्या रहे हो, भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया है, इसे आनंद तो निश्चित आएगा क्योंकि भगवान की ओर बढ़ रहा है। जो व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता जाता है उसको आनंद दिन ब दिन आनंद ही बढ़ता जाता है। तो यहाँ बहुत सुंदर इस तरह से बात कहते राय रावण कहते कथा श्रवण से ही, भक्तों के मुख से ही साधक को सब प्राप्त होता है। जब भक्तों के मुख से श्रवण कीर्तन करता है तो साधक को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। संबंध अभिधेय प्रयोजन इन्हीं कथाओं के द्वारा आधारित है, उसे प्राप्त ये कथाओं में आधार है। संबंध अभिधेय और प्रयोजन वो तीनों जो है वो इन्हीं कथाओं पर आधारित है। जब कोई व्यक्ति कथा सुनता है तो भगवान के साथ संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध अभिधेय प्रयोजन प्रयोजन क्या है? संबंध मतलब मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैं दास हूं भगवान मेरे प्रभु, ठीक है। अब उनको करने के लिए क्या मतलब वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभिधेय भक्ति करनी पड़ेगी। संबंध पता चल गया हमको तो संबंध के बाद हमको करना क्या है कि मैं दास हूं भगवान का और भगवान मेरे स्वामी है, तो करना क्या है? तो कहते अभिधेय भक्ति करना है उसके लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। और जो अभिधेय भक्ति करते 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 उस अवस्थ तक पहुंच जाते हैं तब होता है प्रयोजन। तो जीव का संबंध, संबंध के द्वारा वो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की सेवा करेगा कि भगवान का दास है, संबंध पता चल गया है। और भक्ति करते करते प्राप्त क्या करता है? प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? इस तरह से जो ज्ञान मिश्र भक्त और ज्ञान शून्य भक्त है वो भी अभी आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज का संबंध और ममता का अभाव है, लेकिन धीरे 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 वो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाएगा। कथा साध्य है और कथा ही साधन है, कथा साध्य है और कथा ही साधन। जो व्यक्ति को कथा मिल गई समझो साध्य, क्योंकि भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भागवत मिल गया तो भागवत को अच्छी तरह से ग्रहण करेगा, प्रेम निश्चित साधन भी भगवान ही है। साधन भी साध्य और साधन दोनों एक ही है। साधन मतलब भगवान का नाम, भगवान से अभिन्न, भगवान की कथा, भगवान से अभिन्न। तो ये भी मतलब साध्य, कथा साध्य और साधन दोनों है। कथा के द्वारा ही भगवान से हम, इसे तो श्रवण कीर्तन बहुत मुख्य कहा गया है। तो यहाँ इस तरह से वर्णन करते हुए उदाहरण बहुत सुंदर देते हैं कि जो उद्धव जी थे वो उद्धव मथुरा वृंदावन में ज्ञान लेकर गए थे, तो उसकी ज्ञान की गुदड़ी चले गई, उस गोपियों ने वो जो ज्ञान की गुदड़ी थी वो फाड़ दिया और फाड़ फूड़ कर डाल दिया यमुना में। हमारे आचार्य कहते हुए यमुना में बहती 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 प्रयाग पहुंची और प्रयाग में, प्रयाग से गई समुद्र में, ज्ञान की गुदड़ी जो उद्धव
कोई भगवान ने भेजा था। उद्धव ने गोपियों को कहा कि आप ज्ञान ज्ञान देने गया था कि आप ये करो वो करो, और ज्ञान की गुदड़ी को तुरंत फेंक दिया गोपियों ने। और कहते प्रयाग होते हुए जब समुद्र में गई और समुद्र के लहरों तरंगों ने जब गुदड़ी को एक ऐसा ऐसा कर दिया कि उसका जो वो नष्ट हो गया, मतलब उसका अस्तित्व ही नष्ट हो गया ज्ञान की गुदड़ी का। वैसे ही जो का व्यक्ति ज्ञान है, ज्ञान शून्य भक्ति, चैतन्य महाप्रभु यहाँ साध्य कहेंगे। क्योंकि जो गोपियों ने उद्धव की जो दशा किया था कि ज्ञान जो है ज्ञान चलेगा, इसे तो कहते हैं कि उद्धव सुधो हरि गयो सुन गोपियन के बैन, ज्ञान बजाए डुगडुगी प्रेम बजाए ढो। वहां तो प्रेम है कृष्ण के, और समस्त विधियों को पार कर कर जो गोपियां हैं और सर्वोच्च प्रेम के स्तर पर है, और उनको ही जो उद्धव है ज्ञान देने गया था। वास्तव में भगवान को पता था ये वहां जा तो रहा है गोपियों को ज्ञान देने के लिए, क्योंकि वहां जाकर उनका कुछ चलेगा नहीं। भगवान ने उद्धव को प्रेम क्या है वो समझाने के लिए गोपियों के पास भेजा था। गोपियों प्रेम 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 के वश में है गोपियां, उसमें प्रेम के अलावा कुछ नहीं। प्रेम की डोरी प्रेम हिंडोरा, प्रेम की कुंजन प्रेम हिंडोरा, झूले शिवा के बिहार उद्धव जी प्रेम की बात है न्यारी। ओ, प्रेम की बात है न्यारी उद्धव जी, प्रेम की बात है न्यारी। तो वहां वृंदावन में ज्ञान वृंदावन की बात कुछ और है, उसका पुष्टि सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तस्मिन् महं मुखरिता मथु भी चरित्र पीयूष शेष चरिता परितस्त्रवं ताये पिबंत वृतुषो नृपगाढ़ कर्ण स्तांद स्पृशंत शनतु अभय शोक मोहा। सुखदेव गोस्वामी चौथे स्कंद के 29वें अध्याय के 40 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति साधु के मुख से कृष्ण कथा अमृत की जो साधु के मुख से कृष्ण कथा अमृत की नदी बहती है, जो अतृप्त जिसके कान है अतृप्त कान है उसमें उस कान रूपी पात्र में कोई व्यक्ति वो अमृत रूपी कथा को अंदर डालता है तो कहते क्या होगा, तो कहते उन्हें ताए पिबंत विदुष उपगाढ़ कर्ण, वो जो प्यासे है कान कान रूपी पात्र प्यासे, किसके प्यासे हैं अमृत के, कौन से अमृत के प्यासे, कृष्ण कथा अमृत के प्यासे हैं कर्ण। जब कोई व्यक्ति अंदर डालेगा साधु के मुख से सुनकर कान के मार्ग से जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, सुखदेव गोस्वामी तांग स्पुशंत शनतु अभय शोक मोह, वो व्यक्ति कहते कि भूख प्यास से मुक्त हो जाएगा, भय शोक और मोह से मुक्त हो जाएगा, पतिसा कहते वो व्यक्ति के अनर्थ सब नष्ट हो जाएगा, भूख और प्यास से मुक्त हो जाएगा। जैसे सुखदेव को परीक्षित महाराज को श्राप क्यों लगा, प्यास लगी थी, 2 घंटे नहीं रह सके और उसने श्रमिक मुनि के गले में सांप डाल दिया मरा हुआ और उनके पुत्र श्रृंग ने श्राप दिया। लेकिन यहां आप देखिए वहां 2 घंटे प्यासे नहीं रह पाए, लेकिन यहां आप देखिए सुखदेव गोस्वामी 4-4, 5-5, 6-6 दिन, 4 दिन से वैसे बैठे, 7 दिन की कथा थी, 4 दिन बैठे रहे। सुखदेव गोस्वामी ने पूछा कि पानी पिए तो तुरंत बोले, क्या बोले तो कहते पिबंतम तम मुखाम भोजम चूतम हरि कथाम मृतम, मेरी भूख प्यास चली गई है, क्यों, क्योंकि मैं आपके मुख से हरि कथा का अमृत पान कर रहा हूं, आपके मुख से अमृत निकल रहा है उसका मैं पान कर रहा हूं। जो व्यक्ति अमृत का पान करता है उसको भूख प्यास सताती है। हम भी कभी कभी भागवत कथा होती है 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, कुछ भूख प्यास कुछ पता नहीं चलता कैसे 3 घंटे चले, कहीं नहीं जाते क्योंकि अमृत है।
कहते कि सुख और प्यास का कुछ पता नहीं है, भय और शोक से व्यक्ति मुक्त हो जाए। श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी 1:7 में कहते यश्यावे श्रीमाना कृष्ण परम पुरुष भक्ति उत्पतते पुंसा शोक मोह भयाप। कोई व्यक्ति अगर श्रीमाना कृष्ण परम पुरुष है, कृष्ण परम पुरुष है, उसके कथा श्रीमाना श्रवण करता है, शोक मोह भयाप, शोक मोह से व्यक्ति मुक्त हो जाए। और तीसरा यहाँ कहते हैं कि अनर्थ से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। वही बात वेदव्यास ने कहा, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षय लोकस्या न जाना तो विद्वान चक्र शाश्वत समिता। मैं शाश्वत समिता मुझे भागवत में उसकी रचना क्यों करता हूं, क्योंकि अनर्थ उपशमम साक्षात प्राय लोग इस संसार में अनर्थ में डूबे हैं, उस अनर्थ से मुक्त करने के लिए वेदव्यास जी कहते हैं श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया। तो यहाँ ज्ञान शून्य भक्ति जो है उसकी बात यहाँ राय रामानंद कहते हैं कि ज्ञान शून्य भक्ति। ज्ञान का कोई कुछ नहीं होना चाहिए, श्रवण कीर्तन करो और श्रवण कीर्तन भक्ति है, ओनली भक्ति है ना। ज्ञान मतलब क्या, निराकार ज्ञान वो नहीं, ओनली यहाँ कहते ब्रह्मा जी भी कहते हैं ज्ञान है प्रयास, ज्ञान का प्रयास मत करो, भक्ति करने का प्रयास न करोगे तो कहते भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जो व्यक्ति जो पूरा ब्रह्मांड जिसको जीत नहीं पाता है वो भक्त वाला, वो भगवान श्रवण कीर्तन के अधीन हो जाता है, क्योंकि भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। इसे उपनिषद कहता है भक्ति वशः पुरुष, जो परम पुरुष है वो भक्ति के वश हो जाता है। तो ज्ञान कर्म का चिंता छोड़ो और क्या करो, भक्ति, ज्ञान शून्य भक्ति राय रमन कहते। और जैसे ज्ञान शून्य भक्ति राय रमन ने कहा तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत बोले, क्या बोले, कलम शरण करेंगे शाम को 6 बजे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। 31 अविभक्त वृंद की।